साथ बिट्टा साहब आज स्टूडियो में आए हुए हैं। बिट्टा साहब आप बहुत भावुक हो रहे हैं देखकर, लेकिन अब आज मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी इस शौर्य को सलाम कर रहा है, अभिनंदन का इंतजार कर रहा है, क्योंकि हर किसी ने सुनी इसकी पूरी कहानी। 36 घंटे के अंदर एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी हुई, क्योंकि हमारा पायलट अब वापस लौट रहा है। बिट्टा साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब बख्शी साहब हैं, जे सिंह जी, जो बड़ा इनको एक्सपीरियंस है डिफेंस का, इनको ज़्यादा मालूम होगा। मेरा जो अनुभव रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जिंदा शहीद अभिनंदन जी वापस आएंगे। मैं समझूंगा सरकार की कोई एक फॉरेन पॉलिसी, सरकार की एक मजबूती, सरकार कमज़ोर नहीं पड़ी। हिंदुस्तान के कई पॉलिटिकल पार्टियों ने कमजोर करने की कोशिश की, पर सरकार का स्टैंड सही रहा। किसी की सरकार हो, मेरा को लेना देना नहीं, पर ये हमारी एक जीत तो बहुत बड़ी है। पर जब वो सरहद से निकलता हुआ पैदल उन बॉर्डर से निकलता हुआ आएगा आसपास, जहां वंदे मातरम भारत माता की जय के रोज नारे लगते हैं, हर माँ, हर पिता, हर बहन अपने भाई को जरूर कहेगी, सोचेगी, कहेगी कि मेरा बेटा, मेरा भाई जब बड़ा होगा वो अभिनंदन जरूर बनेगा। ये हमारे लिए बड़ी, बहुत बड़ी एक उदाहरण है, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैं ये समझूंगा इसको किसी और के साथ मिलाना ठीक नहीं। सरबजीत सिंह जी का अपना एक था, पर ये तो एक अलग ही इतिहास है। ये फौज का जवान है, ये कोई दूसरा नहीं है। इसको हम किसी के साथ नहीं मिला सकते। इसकी कुर्बानी और इसकी जिंदा दिली और पाकिस्तान की धरती पे वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने, ये तो अर्जन सिंह जी की याद कराता है। ये उन बहादुरों की, शूरवीरों की, 71 की, जिन्होंने जंग लड़ी, ये उनकी याद कराता है। और मुझे बिल्कुल लगता है कि ये हमारे लिए प्रेरणा होगा। अब इनसे हमने पूरे राष्ट्र में काम लेना है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ऐसी संस्थाओं के अंदर काम लेना है। फौज में तो उनका काम होगा, हमारी नौजवान पीढ़ी को एक नया रास्ता दे, एक नया जज्बा दे, ये मैं यही कहना चाहूँगा।